हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मॉडेक्स कंप्यूटर्स। मेरा नाम है सार्थक एंड आज हम लोग देखने वाले हैं एक 1,55,000 रुपीज का पीसी बिल्ड, 1.55 लाख का, यानी कि 1,55,000 रुपए का पीसी बिल्ड है ये। बात करेंगे यार सभी कंपोनेंट्स के बारे में जिन का इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करा गया है, एंड एक बार लुक देखो भाई पूरे पीसी का कितना जबरदस्त यहां पर निकल करके आ रहा है। आईचिल 3070 जो है इसके अंदर यूज करा गया है इनो3D की तरफ से। आईचिल सीरीज तो जबरदस्त लगती है एकदम। तो बात करेंगे सभी कंपोनेंट्स के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। सबसे पहले तो गाइस आप लोगों को बताता हूँ कि इस पीसी को ऑर्डर किसने करा है, वो तो यार मुझे भी नहीं पता। उन्होंने बेसिकली अपनी कंपनी के GST पे अपना ये पूरा बिलिंग करवाई है इस पूरे पीसी की, तो कस्टमर नाम तो नहीं पता। बट हाँ, ये जरूर पता है कि पीसी कहाँ शिप होने वाला है। ये पीसी जा रहा है अलाहाबाद UP, तो ये पीसी जो है शिप होगा भाई अलाहाबाद में। बाकी अब बात करते हैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर इसके अंदर यूज करा गया इंटेल की तरफ से, कोर i5-12600K प्रोसेसर इंटेल की तरफ से आने वाला, एकदम जबरदस्त CPU यार जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर आता है। एंड कोर थ्रेड काउंट जो है इसका काफी जबरदस्त है भाई, 10 कोर 16 थ्रेड्स मिल जाते हैं। एंड उस हिसाब से अगर आपको गेमिंग स्ट्रीमिंग एडिटिंग कुछ भी वर्कलोड डाल लो, हर एक वर्कलोड में काफी जबरदस्त रहता है। अब गाइस बात करें यहाँ पर हमारे मदरबोर्ड के बारे में, तो मदरबोर्ड इसके साथ में जो पेयर करा गया है वो आ जाता है MSI की तरफ से, उनका मैक B660 टोमोहॉक वाईफाई DDR4 मदरबोर्ड, एकदम जबरदस्त मदरबोर्ड यार MSI की तरफ से। एंड टोमोहॉक लाइनअप के अंदर आ जाता है, तो भाई VRM सेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग मिल जाता है, वाईफाई ब्लूटूथ दोनों की फंक्शनलिटी मिल जाती है। एंड DDR4 जैसे कि मेंशन है, तो DDR4 रैम को जो है ये यहाँ पर सपोर्ट करता है। अब रैम के लिए जैसे हम लोगों ने DDR4 जैसे मैंने आपको बताया, तो रैम यहाँ पर यूज करी गई है XPG की तरफ से, उनकी D50 वाली किट यूज करी गई है व्हाइट कलर में। 8GB की दो स्टिक्स मिलती है जो कि 3200 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है, एंड व्हाइट वाली किट का जो यहाँ पर यूज करा गया। जैसे कि आप लोग पूरा पीसी यहाँ पर देख सकते हो, लिक्विड कूलर व्हाइट, कैबिनेट व्हाइट, तो काफी हद तक जो है इस पीसी को यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट थीम आप लोग कह सकते हो यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। अब बात करेगा इस यहाँ पर हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करते हैं, तो जो ग्राफिक्स कार्ड इसके साथ में यूज करा गया वो आ जाता है इनो3D की तरफ से, उनका RTX 3070 iChill X4 वाला वर्जन का हम लोगों ने जो है यहाँ पर यूज़ करा है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, जो ओवरऑल पूरा लुक निकल करके आता है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाता है। अभी फिलहाल हमने जो है इसमें रेनबो RGB वाला मोड यहाँ पर सेट कर रखा है। बाकी आप इस पूरे ग्राफिक्स कार्ड की जो iChill वाली लाइट है उसको पूरे PC से जो है यहाँ पर सिंक कर सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त लगता है देखने में। बात करेंगे यहाँ पर हमारी स्टोरेज के बारे में, तो स्टोरेज के लिए जो है इसके अंदर यूज़ करी गई है XPG की तरफ से, उनकी 512GB की M.2 NVMe SSD जो कि आया है S50 Lite Gen 4 NVMe SSD है ये। बाकी फॉर सम एक्स्ट्रा स्टोरेज यहाँ पर एक 1 TB की WD की हार्ड डिस्क का भी यहाँ पर जो है यूज करा गया है। बात करेंगे यहाँ पर हमारे लिक्विड कूलर के बारे में, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर 12600K यूज करा है, तो इसके साथ में काफी अच्छा लिक्विड कूलर यूज करा है हम लोगों ने इसके साथ में, जो कि आ जाता है कूलर मास्टर की तरफ से, उनका ML360L V2 ARGB व्हाइट एडिशन वाला लिक्विड कूलर यूज करा है कूलर मास्टर की तरफ से। एंड जो इसका रेडिएटर है वो हम लोगों ने यहाँ पर टॉप पर माउंट करा है, काफी जबरदस्त लगता है यार कूलर मास्टर की कैबिनेट के अंदर कूलर मास्टर का लिक्विड कूलर, काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर कंपेटेबल भी रहता है एंड काफी अच्छा भी लगता है देखने में। बात करें यार इस पूरे पीसी को पावर अप करने के लिए 12600K विद दी RTX 3070 एक 750 वॉट की जो पावर सप्लाई है वो इनफ रहेगी, तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ करी कूलर मास्टर की तरफ से उनकी मास्टर वॉट एलिट ब्रोंज V2 750 वॉट की पावर सप्लाई, काफी अच्छी पावर सप्लाई है कूलर मास्टर की तरफ से आ जाती है उनकी मास्टर वॉट एलिट सीरीज के अंदर, एंड 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेशन के साथ में यहाँ पर आ जाती है। एंड इस पूरे पीसी को हम लोगों ने जो बनाया है वो बनाया है कूलर मास्टर की TD500 मेश व्हाइट कलर की कैबिनेट के अंदर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ओवरऑल जो पूरे पीसी का लुक है वो कैसा निकल करके आ जाता है। अच्छा, इस कैबिनेट में ना फ्रंट में हमें 3-3 ARGB फैंस तो प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, लेकिन रियर में नहीं मिलता एग्जॉस्ट के लिए, तो यहाँ पर अलग से एक व्हाइट कलर का ARGB फैन इस पीसी के अंदर जो यहाँ पर इंक्लूड करा गया है। पूरे पीसी की जो शान है उसको बढ़ाने के लिए यहां पर अलग से जो है कस्टम स्लीव्ड केबल्स का भी यूज करा गया, जो कि आती है सेंसाई मॉड्स की तरफ से। ब्लैक एंड व्हाइट वाला व्हाइट वाली जो किट है उसका हम लोगों ने यहां पर यूज करा 24 पिन, एंड जो 8 पिन वाली जो वायर्स आती हैं वो यहां पर आप लोग देख सकते हो, काफी जबरदस्त लग रही है देखने में। एंड अब जो पूरे पीसी का ओवरऑल पूरा लुक है वो ब्लैक एंड व्हाइट थीम में जो यहां पर बन गया है, काफी जबरदस्त लग रहा है देखने में। बाकी गाइज आपको भी अगर कोई ऐसी कमाल का पीसी चाहिए हो तो आप डेफिनेटली हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कहीं पर भी रहते हो, ऑल ओवर इंडिया हम लोग जो यहाँ पर डिलीवर करते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा 7303986
6007 इस नंबर के ऊपर आप लोग जो है कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। आपकी कॉल्स को अच्छी तरीके से अटेंड करा जाता है, आपको व्हाट्सएप पे पूरा भाई सब कुछ रिप्लाई मिलता है, तो कॉल भी कर सकते हो व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सेल्स टीम जो है हमारी आपको अच्छी तरीके से गाइड कर देगी कि आपको किस बजट में किस टाइप का पीसी आपके यूज केस के हिसाब से लेना चाहिए। अच्छी गाइडेंस भी चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग जो है कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी गाइस हमारी वेबसाइट भी है, वहां पर आपको प्रीबिल्ट पीसी कस्टम पीसी दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने हिसाब से डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो अपने पीसी का, या फिर अगर आपको कोई सिंगल कॉम्पोनेंट भी चाहिए तो वो भी आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। बाकी मिलेंगे गाइस एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी बिल्ड के साथ में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।